हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं यूपी टी टी के लिए हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर आई हूँ। वैसे सारे टी टी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन अभी पास में यूपी टी टी एग्ज़ाम है तो मैं यूपी टी टी एग्ज़ाम के लिए ही इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राजभाषा का अर्थ देखते हैं कि राजभाषा होता क्या है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है, जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वो उस देश की राजभाषा कही जाती है, ठीक है। आगे है, भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकता है जब तक कि हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती, ठीक है। भारत के संविधान में जो है हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन यह भी प्रावधान है कि अंग्रेजी भाषा में जो केंद्र सरकार है वह अपना सरकारी कामकाज कर सकते हैं जब तक कि हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती, ठीक है। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। शुरू में क्या होता था कि संविधान लागू होने के समय 1950 में समय सीमा जो था यह 15 वर्ष के लिए था, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए 1765 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में इसको संविधान में संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वह अभी तक वर्चस्व बनाए हुए है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि भारत के 10 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल हिंदी भाषी प्रदेश है। जितने भी हैं यहाँ पे हम नाम बताए हैं, जो 10 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, ये हिंदी भाषी प्रदेश है, ठीक है। अब किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों के द्वारा माना जाता है जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र को विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब राजभाषा का अभिप्राय है देश के संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज कर सकती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित भाषा है। अब नेक्स्ट है, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषय प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है यह देवनागरी होगी, ठीक है। अब संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए, ठीक है। तो पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे नोट्स हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं और भी इम्पोर्टेंट हिंदी के और सारे सब्जेक्ट के नोट्स को लेकर आऊँगी, जो आपको यूपी टीईटी सीटीईटी में 100% सफलता दिलाएगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।